भीड़ में सराफा व्यापारी से लूट का सीसीटीवी फुटेज, दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश, जेवरात से भरा बैग उठा ले गया बदमाश, फायरिंग के बाद व्यापारी से की थी लूट, करीब 20 लाख के जेवरात ले गया शातिर। भिंड के फूप कस्बे में हुई लूट की वारदात। इंदौर में लसूड़िया थाना पुलिस के दो जवानों पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाई, आरोप दुकानदारों ने लगाया। दुकानदारों का कहना है कि दो पुलिसकर्मी हफ्ता वसूली करने आए थे, हफ्ता नहीं देने पर पुलिसकर्मियों ने उनसे गाली गलौच और मारपीट की। यहाँ पे हम लोग चौपाटी चलाते हैं, काफी लोग भी हैं मेरे साथ और भी लोग खड़े हुए हैं। क्लोजिंग का टाइम, एक क्लोजिंग का टाइम रहता है, उसी समय क्लोज करते हैं हम लोग। तो आए और इनसे पैसा मांगने लगे, तो गाली गलौज करने लगे, तो इन्होंने बोला सर कि आप गाली क्यों दे रहे हो, साथ हम सब लोग थे उस समय जब क्लोज कर रहे थे। तो बोले कि आप टाइम से ही मंगल करते हैं, टाइम से बंद करते हैं, तो बोले गाली गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने बोला, उन्होंने आगे थप्पड़ लगा दिया, इनमें थप्पड़ लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब हम वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएंगे, आपने इसकी शिकायत करेंगे। तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को भी गाली दी, दारू ड्रिंक भी किए हुए थे उन्होंने, और भी लोगों ने रोका कि सर आप क्यों कर रहे थे। उन्होंने डंडे का निशान भी दिखाना चाहूंगा, ये देखो देखो डंडे का निशान है। हम लोग उनको रोकते गए, उन्होंने पीठ में भी डंडे मारे, पीछे भी डंडे मारे, बहुत सारे दो पुलिसकर्मी थे। सीहोर के देवनगर इलाके में एक नमकीन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर परिवार रहता है, जिसके आग लगने के बाद भागकर अपनी जान उन लोगों ने बचाई। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जैसे ही आग लगने की घटना दमकल विभाग को मिली, दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सरगुजा में कोल ब्लॉक के लिए पेड़ कटाई के दौरान हादसा, पेड़ कटाई के दौरान एक मजदूर की मौत। हस्तेव अरण्य क्षेत्र में चल रहा है पेड़ कटाई का काम, हादसे के बाद पुलिस और ग्रामीणों में हुआ संघर्ष। उज्जैन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ा है। नगर निगम ने कई अवैध रूप से निर्मित मकानों और गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम की टीम मौजूद रही। कुछ लोगों ने कई सालों से मदीना कॉलोनी बनाकर किया था कब्जा। यहाँ पर जो नंबर एक में जो रिंग रोड के पास में जो सीएससी की जमीन थी, यहाँ पर कुछ अवैध पक्के निर्माण किए गए थे, जिसको आज हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन और निगम आयुक्त और पुलिस प्रशासन के द्वारा नियमित की जा रही है। मकान गोडाउन यहाँ पर 30-40 गोडाउन और कम से कम 50-60 मकान है आदिवासी के। छतरपुर में जन सुनवाई के दौरान अजीब घटना सामने आई, गोद में हनुमान जी की मूर्ति लेकर पहुंचा पुजारी। पुजारी ने एसपी और कलेक्टर के पास आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। दबंगों ने मंदिर की जमीन पर किया कब्जा। पुजारी के आवेदन पर एडीएम ने संबंधित एसडीएम से बात कर मामले को तत्काल निराकरण करने का आदेश दिया। समस्या ये है कि 2016 में जीत गए थे भगवान सेबलकोट से और 2022 में जीत गए, लेकिन आज तक पटवारी तहसीलदार से न्याय नहीं मिल रहा है। दबंग लोगों को 1,00,000 रुपया लेकर के उन्हीं को कब्जा दिए हैं और भगवान दरदर फल रहे उनकी जमीनों को भूखे प्यासे हम मांग मांग करके एक मुकदमा लड़े, लेकिन तहसीलदार पटवारी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हम अनशन पे बैठने के लिए। कोरबा में खदान की सुरक्षा में लगे जवान ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जवान किसी बात को लेकर काफी परेशान था, जिसके चलते अपनी AK-47 से जवान ने अपने ही ऊपर फायर कर लिया। त्रिपुरा राइफल्स का मृतक जवान कुसमुंडा में खदान की सुरक्षा में तैनात था। तो वही मामले में जानकारी जैसे ही मिली, त्रिपुरा राइफल्स के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। बालोद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, कार ने स्कूटी सवार दो लोगों को टक्कर मारी। हादसे में बीएसपी कर्मचारी की मौके पर मौत हुई है, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दली राजौरा इलाके की घटना है। धार के पीथमपुरा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने 11,00,000 रुपए की कीमत की अवैध शराब बरामद कर ली है। पुलिस को सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक पानी के टैंकर को रोका, जिसके अंदर अवैध शराब की 81 विदेशी शराब जब्त की है। और इतना ही नहीं, टैंकर के साथ पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। टैंकर लगा हुआ है पानी का, उसमें शराब रख के ले जा रहे हैं, तो बड़ा कुछ अजीब सा लगा सुनकर, लेकिन उसके बाद हमने पार्टी भेजी तो बाईपास पे चौधरी गुर्जर का जो ढाबा है उसके पास में हमको हमने उसको गाड़ी को पकड़ा और उसको ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ के फिर थाने लेकर आए। उस पर दो लड़के थे, दीपक डाबर और कालू रावत, ये दोनों लड़के अलीराजपुर जोगट के रहने वाले हैं।
फिर उनको गाड़ी को जब चेक किया तो उसमें गाड़ी में यहाँ से पानी भरते हैं वहाँ पे जो बड़ा ढक्कन रहता है उस पर जब झाँक के देखा तो उसमें शराब की पेटियाँ जमी हुई थी। गरियाबंद के फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शख्स और डॉक्टर के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। डॉक्टर से बहस करने वाले युवक निजी क्लिनिक संचालक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में एक मरीज आया था जिसने जहर खा लिया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया, जिसको लेकर निजी क्लिनिक संचालक डॉक्टर से बहस करने लगा, जिसके बाद डॉक्टर ने संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना को लेकर डॉक्टर्स में आक्रोश है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।